बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या बोल रहा है, लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड एंड जी इज अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड बी अ फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एन एन स्क्वायर एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, मतलब n का इमेज क्या है, एन स्क्वायर, और n क्या है हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स। f फंक्शन का डोमेन क्या है, z, कोडोमेन क्या है z, g फंक्शन का डोमेन क्या है, z, कोडोमेन क्या है z, एंड g फंक्शन एक डिफाइन क्या है, द सेट ऑफ ऑल n सच दैट n कॉमा एन स्क्वायर, मीन्स क्या है कि n का इमेज क्या है, मॉड ऑफ एन स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, शो दैट f इज इक्वल टू g। हमें क्या दिखाना है कि f और g क्या है, इक्वल है। तो दो फंक्शन इक्वल कब होता है, दो फंक्शन इक्वल तब होता है जब उसका डोमेन सेम हो, कोडोमेन सेम हो और रेंज सेम हो। इतना कहना सफिशियंट नहीं है, कोडोमेन सेम हो, कोडोमेन सेम हो, रेंज सेम हो तो भी जाके फंक्शन इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लास्ट कंडीशन क्या है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन का इमेज भी सेम होना चाहिए। मीन्स क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू देयर कॉमन डोमेन। मीन्स क्या है कि अगर मान लो कि हमारे पास फंक्शन एफ है जिसका डोमेन, फंक्शन एफ और जी है जिसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज सब इक्वल है, बट मान लो फंक्शन एफ का वन पे वैल्यू टू है और जी फंक्शन का वन पे वैल्यू थ्री है, तो भी जाके फंक्शन इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं इक्वल होगा, बिकॉज डोमेन के एलिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग एफ और जी का क्या आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रहा है। वन पर एफ का वैल्यू क्या है, टू, और वन पर जी का वैल्यू क्या है, थ्री। तो वन के क्रॉस मॉर्निंग दोनों का इमेज सेम नहीं हुआ, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, एफ फंक्शन और जी फंक्शन इक्वल नहीं होगा। तो एफ फंक्शन और जी फंक्शन इक्वल कब होगा, जब डोमेन सेम हो, कोडोमेन सेम हो, रेंज सेम हो और एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू देयर कॉमन डोमेन। एफ एक्स क्या होता है, इमेज होता है ना एफ का, एक्स एक्स पॉइंट पर या एक्स एलिमेंट का इमेज क्या होता है, एफ एक्स, और जी एक्स क्या होगा, एक्स पॉइंट पर जी फंक्शन का इमेज क्या होगा, जी एक्स। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि एफ एक्स का इमेज और जी एक्स का इमेज भी इक्वल आना चाहिए, सारे एक्स कॉमन एक्स जो उनके डोमेन में कॉमन एलिमेंट है ना, उन सारे कॉमन एलिमेंट के लिए उन दोनों का इमेज भी सेम आना चाहिए, तभी जाके हम क्या बोलेंगे, एफ फंक्शन और जी फंक्शन को इक्वल बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर आ जाते हैं, यहां पर हमारे पास क्या है, एफ का डोमेन और जी का डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, कोडोमेन भी क्या हमारा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, और यहां पे क्या दे रखा है, एफ एन किसके इक्वल है, एन स्क्वायर के, और जी एन किसके इक्वल है, मॉड ऑफ एन स्क्वायर के। तो मॉड ऑफ एन स्क्वायर क्या हो गया, मॉड ऑफ एन स्क्वायर इज एन स्क्वायर, क्यों, बिकॉज हमें पता है ना कि मॉड ऑफ टू स्क्वायर ले लो, टू के मॉड का स्क्वायर लो या टू का स्क्वायर लो, सेम आएगा। तो अब यहां पे क्या हो गया, फंक्शन का डोमेन सेम हो गया, कोडोमेन सेम हो गया और फंक्शन का फॉर्मूला भी सेम हो गया, एफ एन का फॉर्मूला, जी एन का फॉर्मूला भी सेम हो गया। तो फॉर्मूला अगर सेम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि एन पर एफ का इमेज और एन पर जी का इमेज भी सेम हो जाएगा, तो फिर दोनों फंक्शन क्या हो गया, इक्वल हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर में ना मैंने थोड़ा से चेंजेस किए हैं, आप करना क्या, अपने पीडीएफ में कॉपी कर लेना। ठीक है, आपको ये सारा दिख रहा है ना सामने लिखा हुआ, इसको अपने पीडीएफ में कॉपी कर लेना, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। एफ फंक्शन में क्या है कि क्या बोला है, द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच डेट वाई इज द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, वाई जो है ना वो एक्स का स्क्वायर रूट है। तो इसको देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, ये वाई इज द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो यहां पे अच्छा, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि फोर का स्क्वायर रूट बताओ, तो फोर के दो स्क्वायर रूट होंगे, एक प्लस फोर, एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ फोर, एक प्लस फोर, और दूसरा स्क्वायर रूट क्या होगा, निगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ फोर। तो अगर मैं तुम्हें फोर का स्क्वायर रूट पूछूं तो फोर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस टू होता है, सिर्फ प्लस टू नहीं होता है। हाँ, अगर मैं तुम्हें फोर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट पूछूं तो फोर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होगा, टू, एंड फोर का निगेटिव स्क्वायर रूट क्या होगा, माइनस टू। तो वाई क्या हमारे पास, फंक्शन क्या दे रखा है, वाई क्या हमारा एक्स का स्क्वायर रूट, तो वाई किसके इक्वल हो जाएगा, रूट एक्स के, नहीं प्लस माइनस रूट एक्स के इक्वल हो जाएगा। अगर वाई को तुम रूट एक्स लिखते हो ना तो वाई सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा और वाई ये हमारा निगेटिव स्क्वायर रूट होगा। तो यहां क्या बोल रहा है, इस दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने फंक्शन क्या हमारा देख लो, आर प्लस से आर में, तो मतलब फंक्शन का डोमेन क्या, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, फंक्शन का कोडोमेन क्या, रियल नंबर। तो अगर मैंने एक्स का वैल्यू फोर डाला, फोर क्या हमारा बिलोंग्स है ना आर प्लस, ये तो डोमेन का एलिमेंट है, तो अगर हमने एक्स का वैल्यू फोर डाला तो वाई का वैल्यू क्या मिलेगा, प्लस माइनस रूट अंडर फोर, विच इज प्लस माइनस टू।
तो x क्या है हमारा 4, इसका इमेज क्या मिला, एक तो माइनस टू मिला, और 4 का इमेज क्या मिला, एक प्लस टू भी मिल गया। तो 4 के दो दो डिफरेंट इमेजेस मिल गए ना, तो ये ऑब्वियस सी बात है, इट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं फंक्शन है, कि फंक्शन के रिलेशन के ऑर्डर पेयर में दो, रिलेशन के एलिमेंट में दो ऑर्डर पेयर आया, इन दोनों ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम हो गया। तो पहला एलिमेंट सेम हो गया, इसका मतलब 4 के दो दो डिफरेंट इमेजेस मिल गए, सो इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज अ रिलेशन। ठीक है, हाँ, अगर मैं बोल देता ना यहां पे स्क्वायर रूट की जगह बोल देता पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तब ये फंक्शन हो जाता, या निगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बोल देता तो भी ये फंक्शन हो जाता, बट हमने क्या बोल दिया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर टू में। जी क्या दे रखा है, जी एक ऐसा रिलेशन दे रखा है, द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई, एक्स वाई से तभी रिलेटेड होगा जब एक्स वाई इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू, अगर एक्स हो गया देन एक्स और वाई आपस में रिलेटेड हो जाएगा। फंक्शन का डोमेन क्या है, एक्स और वाई क्या बोल रहा है, रियल नंबर। एक्स किसे रिप्रेजेंट करता है फंक्शन के डोमेन को, वाई किसे रिप्रेजेंट करता है फंक्शन के डोमेन को, तो फंक्शन का डोमेन भी ऑल रियल नंबर है और फंक्शन का कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर है। तो बोल रहा है कि चेक करो क्या ये फंक्शन है, तो अगेन इट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है फंक्शन, वो देख लो। जी क्या दे रखा है, द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई, एक्स वाई से तभी रिलेटेड होगा जब ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाए, वेयर क्या हमारे पास, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए मैंने क्या बोला था, कि डोमेन के हर एक एलिमेंट का इमेज आना चाहिए और यूनिक आना चाहिए। ठीक है, तो एक्स क्या हमारा, इस फंक्शन का डोमेन क्या, वो भी रियल नंबर है। वाई क्या हमारा, वो भी रियल नंबर है, इसका मतलब फंक्शन का डोमेन भी रियल नंबर है, फंक्शन का कोडोमेन भी रियल नंबर है। अब अगर इसको फंक्शन होना होगा तो रियल नंबर के हर एक एलिमेंट का इमेज आना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने चेक किया कि क्या एक्स का इमेज क्या है, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, किसमें, इन ई टू दी पावर वाई इज इक्वल टू एक्स में, एक्स का हमें इमेज खोजना है, तो हमने एक्स का वैल्यू जीरो डाल दिया। अब यहां से हम क्या करेंगे, वाई का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या होगा, एक्स का इमेज होगा। ठीक है, तो इसको हमने ई टू दी पावर वाई को जीरो किया, बट ये क्या हमें मिला, नॉट सॉल्वेबल इन आर, ये रियल नंबर में सॉल्व हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ई लाइज बिटवीन टू एंड थ्री, ई का अप्रोक्स वैल्यू क्या होता है, 2.713, और हमें पता क्या है कि ई हमारा कैसा नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर के ऊपर तुम दुनिया का कोई भी पावर ले लो, वो जीरो नहीं आ सकता है। अगर मान लो हमने एक पॉजिटिव नंबर टू ले लिया, अब टू पे पावर तुम जीरो डालो, वन डालो, माइनस वन डालो, थ्री डालो, कुछ भी डालो, एनी रियल नंबर, टू टू द पावर एनी रियल नंबर कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से हमें क्या पता चला कि हमें एक्स का वैल्यू जब हमने जीरो डाला ना, तो हमें वाई का वैल्यू ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि ये जो एक्स इज इक्वल टू जीरो जो कि डोमेन का एलिमेंट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई इमेज नहीं मिला, तो अगेन इट इज नॉट अ फंक्शन। मैंने बोला है ना कि डोमेन के हर एक एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए, बट एक्स इज इक्वल टू जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग कोई इमेज ही नहीं आ रहा, सो अगेन इट इज नॉट अ फंक्शन, ये हमारा एक फंक्शन नहीं है। ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है, लाखों एग्जाम्पल है। जैसे मान लो कि हमने किया पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन डाला इन ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू एक्स में, हमने ये खोजने की हमने कोशिश की कि माइनस वन की इमेज क्या होगा, तो यहां पे डाला तो हमें क्या होगा, ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू माइनस वन, अगेन नॉट सॉल्वेबल इन आर, ये इसका तो कोई वाई का कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज अगर तुम पॉजिटिव नंबर के ऊपर कोई भी दुनिया का पावर डाल दो, वो निगेटिव आंसर नहीं आ सकता है। टू के ऊपर तुम माइनस वन अपॉन टू डालो, टू के ऊपर तुम जीरो डालो, टू के ऊपर पॉजिटिव नंबर पावर डालो, निगेटिव डालो, जीरो डालो, कभी भी उसका वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता। ई कैसा नंबर है, दो से तीन के बीच में, तो ई पॉजिटिव नंबर है ना, तो ई टू द पावर वाई कभी भी माइनस वन नहीं आ सकता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि माइनस वन जो कि फंक्शन के डोमेन में है बट इसका इमेज नहीं मिला, सो अगेन इट इज नॉट अ फंक्शन। हमें दो वैल्यू करने दिखाने की जरूरत नहीं थी, एक ही तुम डोमेन का एलिमेंट दिखा दो ना जिसके क्रॉसपॉन्डिंग कोई इमेज नहीं आ रहा है, तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये बात आ गई समझ में, इसी बात को यहां पे लिखा हुआ है क्लियरली, माइनस वन बिलोंग्स टू आर, आर क्या हमारा डोमेन है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वाई, माइनस वन के क्रॉसपॉन्डिंग कोई भी वाई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सच डेट ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू एक्स, की ई टू द पावर वाई किसके इक्वल हो जाए, एक्स के इक्वल। तो माइनस वन बिलोंग्स टू आर, बट एफ ऑफ माइनस वन, एफ ऑफ माइनस वन क्या है, वाई के इक्वल है। एफ ऑफ माइनस वन बोलने का मतलब माइनस वन का इमेज, माइनस वन का इमेज क्या होगा,
एफ ऑफ माइनस वन क्या होगा, माइनस वन के कॉरस्पॉन्डिंग इमेज डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो एफ इज नॉट अ फंक्शन, इट इज अ रिलेशन। एफ हमारा क्या है, फंक्शन नहीं है, ये एक रिलेशन है। बच्चों यहां पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया पीडीएफ को, और मैंने ये कई बार बोल रखा है कि पीडीएफ तुम्हें कॉपी करना है, 11th क्लास के बच्चों को स्पेशली बोल रहा हूं पीडीएफ कॉपी करना है, ठीक है। तो आप अपने पीडीएफ में थोड़ा सा चेंज कर लेना, ठीक है। तो अब ये आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर वन हो गया, टू हो गया, क्वेश्चन नंबर मैंने थ्री जो है वो यहां पर लिख दिया, इसमें एक्स बिलोंग्स टू, यहां पे मैंने, अच्छा क्वेश्चन नंबर थ्री वहां से कट करके यहां लिख दिया, ये थोड़ा मैंने डिफरेंट क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, ये फाइव एक्स क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई, उन सारे एक्स वाई का सेट निकालो सच डेट वाई इज द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। वाई क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट होना चाहिए एक्स का, और एक्स वाई बिलोंग्स टू आर प्लस। अब यहां पर देखो, पहले क्वेश्चन में जो था ना, यहां पे x को हमने, इस फंक्शन का डोमेन क्या था, पॉजिटिव रियल नंबर, को डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर। पहला क्वेश्चन देखो, यहां पे हमने क्या कर दिया, डोमेन और कोडोमेन दोनों को क्या बना दिया, पॉजिटिव रियल नंबर का सेट बना दिया। x को भी बोला r प्लस है, y को भी बोला r प्लस है, तो r प्लस क्या हो गया, डोमेन हो गया, कोडोमेन क्या हो गया, r प्लस। तो हमने फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन को चेंज कर दिया है, सॉरी कोडोमेन को चेंज किया, डोमेन तो सेम था, यहां भी था ना हमारा डोमेन r प्लस था। तो यहां पर हमने क्या बोला कि उन सारे एक्स वाई का सेट बनाओ सच डेट वाई इज द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, वाई क्या हमारे पास स्क्वायर रूट होगा एक्स का, और एक्स वाई दोनों क्या होगा, आर प्लस होगा। अब तुम ध्यान दो, तो यहां पे क्या है कि फाइव एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, अब निगेटिव रूट एक्स नहीं लिख सकते। निगेटिव रूट एक्स क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि स्क्वायर रूट तो वाई का प्लस माइनस रूट एक्स होगा। स्क्वायर रूट अगर बोला जाए तो स्क्वायर रूट तो वाई का प्लस माइनस रूट एक्स होगा, बट माइनस रूट एक्स को हमने हटा दिया। क्यों माइनस रूट एक्स को हटा दिया, बिकॉज माइनस रूट एक्स इज निगेटिव रियल नंबर, बिकॉज कोडोमेन तो आर प्लस है ना, तो माइनस रूट एक्स को हटा दिया, ठीक है। वाई इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स नहीं हो सकता, एज वाई बिलोंग्स टू आर प्लस। तो यहां पे हमारा फंक्शन क्या हो गया, द सेट ऑफ ऑल एक्स रूट एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस, और रूट एक्स भी बिलोंग्स टू आर प्लस। अब तुम कोई भी डालो, अब तुम कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर डालो, डोमेन से कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर डालो, उसका एक यूनिक इमेज ही आएगा, और डोमेन के हर एक पॉजिटिव रियल नंबर का इमेज मिलेगा, ठीक है। बिकॉज अगर डोमेन में क्या, आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर है, तो हर एक पॉजिटिव रियल नंबर का हमें क्या मिलता है, बोलो ना, हर एक पॉजिटिव रियल नंबर का हमें इमेज मिलता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यही बात को बोला जा रहा है, अगर फोर लिया तो फोर का स्क्वायर रूट क्या होगा, टू, तो फोर टू बिलोंग्स टू फाइव। सिंस नो पॉजिटिव नंबर कैन हैव डिफरेंट पॉजिटिव स्क्वायर रूट, कोई भी पॉजिटिव नंबर का दो डिफरेंट स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है, एंड ईच पॉजिटिव नंबर हैज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट, और सारे पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा, सो फाइव इज अ फंक्शन। कहने का क्या मतलब है कि हमने डोमेन को आर प्लस कर दिया, को डोमेन को आर प्लस कर दिया, और बोला कि वाई इज द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, वाई जो है क्या है, रूट एक्स का स्क्वायर रूट है। तो x का स्क्वायर रूट बोलने का मतलब y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स दोनों आ गया, बट हमने माइनस रूट एक्स को हटा दिया बिकॉज y बिलोंग्स टू r प्लस। अब अगर तुम x का, तुम कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर उठाओ, उसका स्क्वायर रूट लो, वो किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा, उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लो तो वो किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। और हमें पता है कि हर एक पॉजिटिव रियल नंबर का सिर्फ एक ही पॉजिटिव स्क्वायर रूट आता है, और हर एक रियल नंबर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट भी आता है और यूनिक आता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो आर प्लस जो फंक्शन का डोमेन है, उसके हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएगा हमें, उसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा, और यूनिक स्क्वायर रूट मिलेगा, सो इट इज अ फंक्शन। ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। तो बच्चों यहां ये भी आई थिंक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर थ्री से। एक बार मुझे लग रहा है ऐसा कुछ फीलिंग आ रही है, दो चार बच्चे जो अक्सर डाउट पूछते रहते हैं, तो उनको एक बार और बता देता हूं कि देखो होता क्या है, जब भी हमने बोला ना कि एक्स का स्क्वायर रूट बताओ, तो एक्स के दो स्क्वायर रूट होंगे, प्लस माइनस रूट एक्स। अगर मैंने बोला कि एक्स का पॉजिटिव स्क्वायर रूट बताओ तो सिर्फ रूट एक्स होगा, और एक्स का निगेटिव स्क्वायर रूट बताओ तो माइनस रूट एक्स होगा। पॉजिटिव स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, निगेटिव स्क्वायर रूट हमेशा निगेटिव नंबर होता है। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, डोमेन को डोमेन दोनों को क्या कर दिया है, पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया है।
और स्क्वायर रूट किसका एग्जिस्ट करता है? सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर का एग्जिस्ट करता है। माइनस टू का स्क्वायर रूट नहीं एग्जिस्ट करता है, माइनस फोर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, फोर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करेगा या तो पॉजिटिव रियल नंबर हो या तो जीरो हो। निगेटिव नंबर का तो स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता इन द सेट ऑफ रियल नंबर। हाँ, कॉम्प्लेक्स में एग्जिस्ट करता है, वो ट्वेल्थ क्लास के बच्चे जानते होंगे, बट इलेवंथ क्लास के बच्चे अभी ये मानो कि निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता है रियल नंबर में। तो यहां पे हमने डोमेन को आर प्लस कर दिया। अब हमें क्या दिखाना है? हमें ये दिखाना है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट का इमेज मिल रहा है और यूनिक इमेज मिल रहा है। तो ये ऑब्वियस सी बात, अपने दिमाग से सोचो, तुम कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर उठा लो और उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लो तो वो तो यूनिक आएगा ना। अगर मैंने फोर रियल नंबर आर प्लस में से हमने एक एलिमेंट उठा लिया फोर, और फोर का स्क्वायर रूट तो होगा प्लस रूट फोर, और दूसरा क्या होगा? माइनस रूट फोर। तो माइनस रूट फोर हमें हटा देना है, क्यों? बिकॉज माइनस रूट फोर से हमें क्या मिलेगा? माइनस टू, जो कि आर प्लस का एलिमेंट नहीं है। तो फोर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होगा? रूट फोर। फोर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होगा? रूट फोर। रूट फोर का वैल्यू क्या होगा? टू। तो फोर कॉमा टू फंक्शन का एलिमेंट हो जाएगा। तो यहां से क्या पता चला कि डोमेन के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज मिल रहा है, डोमेन के हर एक एलिमेंट का इमेज मिल रहा है और यूनिक इमेज मिल रहा है, सो इट इज अ फंक्शन। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री में। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास एक फाइव फंक्शन दे रखा है, द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन नंबर फोर जो है इसमें थोड़ा लॉग इन्वॉल्व है। अगर इलेवंथ क्लास के बच्चों को नहीं समझ में अभी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आगे हम लोग लॉग डिस्कस करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन में, तब क्लियर हो जाएगा, बट फिर भी समझने की कोशिश करो। हमारे पास एक फाई फंक्शन दे रखा है, सॉरी फाई नहीं, साई फंक्शन दे रखा है, इसे हम साई बोलते हैं। द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच डेट ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाए, वेयर एक्स भी हमारा आर प्लस हो, वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स क्या होना चाहिए? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। वाई क्या होगा? रियल नंबर। मतलब डोमेन क्या है इस फंक्शन का? डोमेन है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, कोडोमेन क्या है? रियल नंबर। तो अच्छा, यहां से एक बात ये पता होगा कि इलेवंथ क्लास के बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है कि जब भी e टू द पावर y ऐसे लिखा होता है ना, तो जब हम लॉग लेते हैं ना, लॉग e टू द पावर y, इसको हम ऐसे लॉग x बोलते हैं, तो ये y कहां चला जाता है? इधर। तो log e और कुछ नहीं लिखा है तो बेस e है, इज इक्वल टू log x बेस e। तो log e बेस e क्या हो जाएगा? ये y इधर आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू log x बेस e, ऐसे भी लिख सकते हो या log x भी लिख सकते हो, या फिर तुम इसको ln x भी लिख सकते हो। अगर 11th क्लास के बच्चों को समझने में प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं है, जब अभी हम लोग log आगे इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। 12th क्लास के बच्चे समझ रहे होंगे क्या बोल रहा हूं मैं। तो y किसके इक्वल हो जाएगा? ln x के इक्वल, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि सारे पॉजिटिव रियल नंबर का लॉगरिथमिक log एग्जिस्ट करता है। log किसका एग्जिस्ट नहीं करता? कौन से नंबर का? जीरो का और निगेटिव का। पॉजिटिव का तो लॉग एग्जिस्ट करता है ना, और यूनिक ही तो एग्जिस्ट करता है, सो इट इज अ फंक्शन। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है? फॉर ए पॉजिटिव नंबर एक्स, हमने कोई भी पॉजिटिव नंबर एक्स ले लिया, तो हमारे पास फंक्शन क्या हो गया? वाई का वैल्यू हमें क्या मिला? एल एन एक्स मिल गया या लॉग एक्स मिल गया, ऐसे भी लिखते ऐसे भी लिखते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया? द सेट ऑफ ऑल एक्स, वाई क्या हमारे पास? एल एन एक्स, सच डैट x belongs to R plus and y belongs to R। ये हो गया हमारा फंक्शन। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है फंक्शन है। फॉर ए पॉजिटिव नंबर x, log x इज यूनिक। अगर तुम कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो तो log x, log x किसके इक्वल है? y के इक्वल है। log x किसके इक्वल है? y के इक्वल है। तो y इज यूनिक। तो तुम कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले लोगे तो उसका y जो होगा ना वो यूनिक होगा। एंड फॉर ईच पॉजिटिव नंबर x, और सारे पॉजिटिव नंबर x के कोरोस्पॉन्डिंग log x एग्जिस्ट करेगा। 12th क्लास के बच्चों उनको बता रहा हूं कि वो log x का ग्राफ दिमाग में याद करो क्या होता है, और ये भी पता है log x इज अ फंक्शन। 11th को प्रॉब्लम आ रहा है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। तो फॉर ए पॉजिटिव नंबर x, log x इज यूनिक, एंड फॉर ईच पॉजिटिव नंबर x, log x जो होगा ना वो क्या होगा? बिलोंग्स टू R। log x क्या होगा? रियल नंबर का एलिमेंट होगा। देयरफॉर साइज ऑफ फंक्शंस डिफाइंड बाय, साई को हम कैसे फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं? डोमेन इसका क्या होगा? R प्लस। कोडोमेन क्या होगा? R। सच डेट साई x इज इक्वल टू log x।
यहाँ पे साई एक्स, वाई क्या हमारा लॉग एक्स है, तो साई एक्स किसके इक्वल हो गया, वाई के इक्वल, वाई किसके इक्वल हो गया, लॉग एक्स के। तो डोमेन साई का क्या हो जाएगा आर, प्लस रेंज साई का क्या हो जाएगा आर। ठीक है, अगर कोई अभी प्रॉब्लम है समझने में तो तुम ऐसे सोचो कि हमारे पास क्या है, तुम लॉग को हटा के सोचो कि हमारे पास क्या दे रखा है, ई वाई इज इक्वल टू एक्स। अब फंक्शन डिफाइन कैसे किया आर प्लस से आर में, तो तुम ऐसे सोचो कि तुम कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले लो, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल वन ले लेते हैं, वन बिलोंग्स टू आर प्लस, डोमेन का तुम कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले लो, तो ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू वन डालो, तो यहां से वाई निकल आएगा, वाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या पता चला कि 1,0 बिलोंग्स टू f, ये फंक्शन का एलिमेंट हो गया, समझ रहे हो बात को। मान लो कि अगर हमने तुम ऐसे सोचो, अगर हमने r प्लस में ले लिया e, ले लिया e बिलोंग्स टू r प्लस, ये भी तो r प्लस का एलिमेंट है, अब यहां पे हमने e टू द पावर y x की जगह e डाल दिया, तो फिर यहां से y का वैल्यू क्या मिल गया, 1, तो यहां से हमें क्या पता चल गया e कॉमा 1 बिलोंग्स टू f, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये जो e टू द पावर y इज इक्वल टू x है ना, e टू द पावर y इज इक्वल टू x, इस x की जगह तुम कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर डालो तो वहां से y का वैल्यू मिल जाएगा, y का वैल्यू मिलेगा, ठीक है, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के कोरोस्पॉन्डिंग y का वैल्यू आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कि हमारा एक फंक्शन हो जाएगा, कैसे आएगा इसके लिए, फॉर ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r प्लस e टू द पावर y इज इक्वल टू x, इफ एंड ओनली इफ y इज इक्वल टू log x, ठीक है, y किसके इक्वल होगा, log x के इक्वल होगा। अगर ये नहीं, ये 12th क्लास के बच्चे तो समझ रहे होंगे क्या बोल रहा हूं, अगर ये नहीं 11th क्लास के बच्चों को समझ में आ रहा है तो रहने दो, इस क्वेश्चन ही को छोड़ दो, अभी आगे तुम log पढ़ोगे ना तो उससे ये क्लियर हो जाएगा क्या बोला जा रहा है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शंस एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एंड डिटरमाइन देयर रेंजेस। हमें इन सारे ये जो दो फंक्शंस दे रखा है इसको ऑर्डर्ड पेयर में रखना है, उसका रेंज निकालना है। बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन है, इसमें फंक्शन दे रखा है ना ए से आर, ये पहले ही बोल दिया फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन, तो अब ये चेक नहीं करना है कि ये फंक्शन है या नहीं, ये तो ऑब्वियस ही बात है फंक्शन है। अब इस फंक्शन को हमें क्या करना है, ऑर्डर्ड पेयर में रखना है, ठीक है। तो फंक्शन क्या हमारा, डोमेन क्या फंक्शन का, पहला सेट होता है जो कि ए है, कोडोमेन क्या होता है, दूसरा सेट जो कि ऑल रियल नंबर है। फंक्शन को हमने कैसे डिफाइन किया है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, वाई को किसके, वाई किसके इक्वल होता है, एफ एक्स के इक्वल होता है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ए सेट क्या दे रखा है, 1, 0, -1, 0, 2, 4, तो कुछ नहीं है, इन सब का इमेज निकालना है, इमेज निकालने के लिए फॉर्मूला दे रखा है, माइनस वन डालो क्या आ जाएगा इमेज 2, 0 डालो 1, 2 डालो 5, 4 डालो 17, तो सबका इमेज आ गया, -1, 0, 2, 4 का इमेज भी आ गया, यूनिक इमेज आया, सो इट इज अ फंक्शन, फंक्शन तो है ही। अब ऑर्डर्ड पेयर में बोल रहा है लिखने के लिए, तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखोगे, ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखते हैं, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट डोमेन का होता है, दूसरा एलिमेंट उसका इमेज होता है, वो दूसरा जो एलिमेंट होता है वो सेकंड सेट से होता है, पहले एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, डोमेन के एलिमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और डोमेन के एलिमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके क्रॉस्पॉन्डिंग इमेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से, वाई क्या होता है, एफ एक्स होता है, तो इसको हमने क्या लिखा, द सेट ऑफ ऑल एक्स एफ एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब यहां पे हमने x का वैल्यू क्या डाला, सारे x एफ एक्स का सेट बनाओ, मतलब सारे एक्स वाई का सेट बनाओ, सच डेट x किससे होना चाहिए, पहले सेट से होना चाहिए, तो देख लो हमने सब एक्स वाई का सेट बना लिया, इसका हर एक ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट से है, और जो दूसरा एलिमेंट है उसके क्रॉस्पॉन्डिंग इमेज है, माइनस वन का इमेज 1 है, 0 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 5 है, 4 का इमेज 17 है। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि माइनस वन का भी इमेज 1 है, 0 का भी इमेज 1 है, तो ये तो पॉसिबल है, माइनस वन का इमेज 1 हो जाए, 0 का इमेज 1 हो जाए, ये तो पॉसिबल है, डोमेन के दो एलिमेंट का एक इमेज आ जाए ये पॉसिबल है, बट डोमेन के एक एलिमेंट का दो इमेज आ जाए, अगर ऐसा हुआ तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे डोमेन एफ क्या क्या हो गया, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि डोमेन हमारा पहला सेट होता है हमेशा, तो डोमेन क्या हो गया, सेट ए, रेंज क्या हो गया, 1, 5, 17, यही रेंज आया, जो कि ऑब्वियस सी बात है कोडोमेन का सबसेट है,
ये क्या हमारा कोडोमेन का सबसेट है। कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और सेकंड क्वेश्चन है एग्जैक्टली सेम है, तो इसको तुम क्या करोगे, सेम क्वेश्चन है तो इसके लिए तुम क्या करोगे, इसको खुद से करोगे, डू इट योरसेल्फ। कुछ नहीं, यहां पे बोल रहा है ना कि ए सेट क्या दे रखा है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो एक्स के पॉसिबल वैल्यूज क्या आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आ गए। यहां पे एक्स का एक वैल्यू डालो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई मिलेगा, ऑर्डर पेयर में लिख लो, पहला सेट डोमेन आ जाएगा और दूसरा जो उसका जो इमेज आएगा वो क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, करते करते कहां तक जाएगा, 20 तक जाएगा। तो इसका इमेज क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर लेस देन इक्वल्स टू 20, और इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल्स टू 10। तो ये भी एक फंक्शन है, डोमेन के हर एक एलिमेंट का इमेज मिल गया और यूनिक इमेज मिला, सो इट इज अ फंक्शन। डोमेन क्या हो गया, सेट ऑफ सेट ए डोमेन हो गया, कोडोमेन क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, रेंज क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, फाइंड वेदर द डोमेन फॉर विच ऑफ द फंक्शन दिस एंड दिस आर इक्वल। अब बोल रहा है कि फाइंड वेदर द डोमेन, इस फंक्शन का और इस फंक्शन का डोमेन क्या इक्वल है। ठीक है, अच्छा, इस फंक्शन एफ फंक्शन का और जी फंक्शन का डोमेन इक्वल नहीं दे रखा है, तो बोल रहा है कि चेक करो कि इस फंक्शन का डोमेन इक्वल है या नहीं है, मतलब किस एक्स के लिए एफ एक्स और जी एक्स इक्वल है। फाइंड वेदर द डोमेन फॉर विच ऑफ द फंक्शन, फाइंड वेदर नहीं होगा यार, मुझसे काफी मिस्टेक हो रहा है, फाइंड द डोमेन, वेदर नहीं होगा, फाइंड द डोमेन फॉर विच ऑफ द फंक्शन दिस एंड दिस आर इक्वल। अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को सुनो ध्यान से, दो डिफरेंट फंक्शन दे रखा है। अब बोल रहा है कि इस दोनों फंक्शन का डोमेन, वो डोमेन बताओ जिस पर एफ एक्स और जी एक्स इक्वल हो जाए, एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन, एफ फंक्शन और जी फंक्शन इक्वल हो जाए, तो वैसा डोमेन बताओ जिसमें एफ इज इक्वल टू जी हो जाए। तो इसके लिए क्या है बच्चों, देखो हमने एफ एक्स एफ फंक्शन को एफ एक्स को जी एक्स के इक्वल कर दिया, इसका मतलब वाई को वाई के इक्वल कर दिया, मतलब इमेज को इमेज के इक्वल कर दिया। ठीक है, अब देखेंगे हमें वो एक्स खोजना है जिसके क्रॉसपॉन्डिंग एफ का इमेज और जी का इमेज सेम आ जाए। तो एफ का इमेज क्या दे रखा है, 2x² - 1, 2x² - 1, और जी एक्स का इमेज क्या दे रखा है, 1 - 3x। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो ये क्या हो गया, 2x² + 3x - 2 = 0, तो ये क्या हो गया, 2x² + 4x - x - 2 = 0। तो यहां से 2x कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया, x + 2 हो गया, माइनस कॉमन ले लिया, x + 2 हो गया 0। तो यहां से x की वैल्यू एक तो 1/2 आ गई, एक -2 आ गई। मतलब क्या है कि अगर तुमने x का वैल्यू हाफ लिया, ठीक है, x इज इक्वल टू हाफ पर f फंक्शन और g फंक्शन का इमेज सेम होगा। देख लो डाल के, एफ एक्स क्या दे रखा है, 2x² - 1 दे रखा है ना, और जी एक्स क्या दे रखा है, 1 - 3x दे रखा है। तुम एफ ऑफ 1/2 निकालो, तो क्या होगा, 2 × 1/2² - 1, ये क्या होगा, 2 × 1/4 - 1, क्या होगा, 1/2 - 1, विच इज -1/2। और जी ऑफ हाफ निकालो, क्या होगा, 1 - 3/2, तो अगेन -1/2। तो बात समझ रहे हो क्या बोला जा रहा है, यहां पे ये बोला जा रहा है कि 1/2 पर क्या हो गया, 1/2 पर एफ का भी इमेज और जी का भी इमेज सेम हो गया। अब अगर तुमने एक्स का वैल्यू -1/2 डाला, तो -1/2 पे भी एफ का इमेज और जी का इमेज सेम हो जाएगा। तो अगर मैंने डोमेन फंक्शन का ए ले लिया जिसमें हमने दो ही एलिमेंट डाला, -2 और 1/2, इस डोमेन पर, और सेट बी ले लिया, अगर मान लो हमने सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो अगर हमने फंक्शन एफ डिफाइन किया ऐसे, -2 से 1/2 से ऑल रियल नंबर, और एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 1, एक ये फंक्शन डिफाइन किया, एक जी फंक्शन हमने ऐसे डिफाइन किया, -1/2 से 2 फ्रॉम ऑल रियल नंबर, और जी एक्स को हमने क्या बोल दिया, 1 - 3x। अब जाके ये एफ फंक्शन और ये जी फंक्शन इक्वल हो गया। ठीक है, क्यों इक्वल हो गया, बिकॉज कोडोमेन दोनों का सेम है, डोमेन दोनों का सेम है, और इस डोमेन के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट पर फंक्शन का इमेज भी सेम है।
तो इसका क्या मतलब हो गया, एफ इज इक्वल टू जी फंक्शन हो गया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वो डोमेन निकालो जिस पर एफ फंक्शन और जी फंक्शन इक्वल आ जाए, तो हमने डोमेन निकाल लिया माइनस टू और टू वन अपॉन टू। अगर हमने फंक्शन के डोमेन को माइनस टू एंड वन अपॉन टू लिया तो इस डोमेन पर एफ फंक्शन और जी फंक्शन इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। बात कैसे डोमेन निकाला इक्वल, हमने दोनों के इमेज को सेम कर दिया, इमेज को सेम करने के बाद वहां सेक्स निकाल लिया। एफ एक्स क्या है, एक्स का इमेज है अंडर द फंक्शन एफ। जी एक्स क्या है, एक्स का इमेज है अंडर द फंक्शन जी। तो दोनों को इमेज, दोनों के इमेज को सेम किया, और इमेज को सेम करने के बाद इमेज का फॉर्मूला लिखा एफ फंक्शन के क्रॉसबॉन्डिंग, इमेज का फॉर्मूला लिखा जी फंक्शन के क्रॉसबॉन्डिंग, वहां से एक्स निकाल लिया। तो ये जो एक्स निकला ना, ये डोमेन का एक्स निकला। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर तुम डोमेन में वन अपॉन टू और माइनस टू लोगे तो इस डोमेन पर एफ फंक्शन का इमेज और जी फंक्शन के इमेज सेम आ जाएगा। तो हमने डोमेन को क्या ले लिया, माइनस टू एंड वन अपॉन टू, एफ के लिए भी और जी के लिए भी। को डोमेन को डाल दिया हमने ऑल रियल नंबर, तो फंक्शन का डोमेन सेम हो गया, फंक्शन का को डोमेन सेम हो गया, भले ही देखने में फंक्शन का फॉर्मूला डिफरेंट लग रहा हो। समझ रहे हो बात को, यहां पे एफ एक्स का कोई और फॉर्मूला है, जी एक्स का कोई और फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला डिफरेंट लग रहा हो, बस इस दो डोमेन के एलिमेंट पर उसका इमेज सेम आएगा। फॉर्मूला देखने में डिफरेंट हो, इमेज सेम आएगा। तो इमेज सेम आएगा तो क्या हो जाएगा, एफ फंक्शन और जी फंक्शन इक्वल हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन।